वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। आज हम बात करेंगे कुछ मानसिक रोगों की जो बड़े नॉर्मल से हैं, जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा आना, स्ट्रेस होना, या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या कई लोगों को अनिद्रा की शिकायत रहती है, उनको नींद नहीं आती, या कई लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती है। ये सारे मानसिक रोगों की हम बात करेंगे। खासतौर पर जैसे कई लोगों को देखा गया बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अक्सर बच्चों से, अपनी पत्नी से मारपीट तक करने लगते हैं। ऐसे रोगियों को क्या करना चाहिए? सुबह खाली पेट अच्छी तरह से पके हुए दो सेब लेकर खूब चबा चबा कर उसका सेवन करना चाहिए और ये प्रयोग 15 दिन तक जरूर करना चाहिए। इससे उनको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। अगर आपको पका हुआ सेब नहीं मिल रहा है या सेब का सीजन नहीं है तो इसका विकल्प मैं बता देता हूँ आपको। आपको एक आंवले का मुरब्बा लेना है, एक आंवला ले लेना है मुरब्बे से और उसको सुबह खाली पेट खा लेना है और शाम को एक चम्मच ग्लूकंद आपको दूध के साथ, एक गिलास दूध के साथ शाम को उसका सेवन कर लेना है और आप देखेंगे कि आपको क्रोध आना बंद हो जाएगा। जिन बच्चों को पढ़ाई याद नहीं रहती है, वो पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, उनको भी एप्पल का सेवन करना है, सुबह खाली पेट एप्पल खिलाएं तो आप देखेंगे कि उनको जो भूलने की बीमारी है ये दूर हो जाएगी। अच्छा, कई लोगों को एक प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत सुस्ती रहती है और बहुत ज्यादा नींद आती है, दिन में भी उनको नींद आती रहती है। ऐसे लोगों को एक काम करना चाहिए, दो लौंग ले लें और अगर एक पान का पत्ता मिल जाए तो एक पान का पत्ता लेकर दो लौंग के साथ अच्छी तरह से चबाएं और उसको चबाने के बाद जो सलाइवा बनेगा उसको निगल जाए, जो सुस्ती आने की प्रॉब्लम है या नींद बहुत ज्यादा आने की प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी। साथ ही जिन लोगों को नींद के कारण सर दर्द होने लगता है उसमें भी इससे आराम मिलेगा। अगर आपको ये पान और लौंग नहीं मिल रहा है तो आप एक काम और कर सकते हैं, चाय पत्ती ले लें और एक गर्म पानी में एक चम्मच चाय पत्ती डालकर 2 मिनट पड़े रहने दें, उसके बाद वो पानी छान लेना है और जो छना हुआ पानी है उसमें एक नींबू निचोड़ लें और नींबू निचोड़ कर इस पानी का आप अगर सेवन करें तो भी आपको जो सुस्ती आ रही है या बहुत ज्यादा नींद आ रही है वो दूर हो जाएगी। ऐसे लोगों को वज्रासन में बैठना चाहिए, वज्रासन में बैठने से भी बहुत रिलीफ मिलता है। अब बहुत सारे लोगों को ये देखा गया कि उनको नींद ही नहीं आती, अनिद्रा की शिकायत है, तो अनिद्रा वालों को क्या करना है कि 50 ग्राम ले लें खसखस और 50 ग्राम छिले हुए तरबूज के बीज यानी वाटरमेलन सीड, ये लेकर इन दोनों को मिलाकर अच्छा महीन सा चूर्ण बना लें आप और ये चूर्ण 3 चम्मच सुबह और 3 चम्मच सोते वक्त इसका आप सेवन करें। आप देखेंगे कि आपको नींद ना आने की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों को स्ट्रेस की बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को क्या, आजकल तो सभी को स्ट्रेस की बहुत प्रॉब्लम है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उसका एक प्रयोग बताता हूँ मैं, ये करके देखें आपको स्ट्रेस में आराम मिलेगा। 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती पढ़नी है आपको, मतलब 100, 99, 98 इस तरह से बोलना शुरू कर दें, 100, 99, 98, 97, 96 इस तरह से अगर आप बोलेंगे तो जब तक आप 1 पर पहुंचेंगे आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम है वो दूर हो गई है। साथ में एक प्रयोग जरूर करें, भोजन के साथ एक कच्चा प्याज जरूर खाएं और भोजन करने के बाद 2 कलियां लहसुन की चबाकर ऊपर से लगभग 5 से 7 चम्मच दूध, मतलब एक चौथाई कप दूध इसका सेवन आप कर लें, आपको स्ट्रेस में आराम मिलेगा। सोते समय नाभि पर सरसों के तेल को एक रुई में डुबो के वो रुई रख लें और चाहे तो ऊपर से पट्टी बांध लें या टेप लगा लें, जैसा भी आपको लगे। इसके अलावा स्ट्रेस के लिए आप एक प्रयोग और कर सकते हैं, सरसों का तेल लें, उसको हल्का सा गुनगुना कर लें और 4 बूंद इस कान में डालकर रुई लगा लें और 4 बूंद इस कान में डालकर रुई लगा लें। ये प्रयोग हफ्ते में 2 या 3 बार रात में सोते समय आप करें, आप देखेंगे कि आपको स्ट्रेस में आराम आएगा। इसके अलावा सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से पैर जरूर धो लें, उससे भी आपको आराम आता है। तो थे ना बिल्कुल आसान आसान से उपाय, बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर में ही स्वस्थ हो जाएं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।